एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया है। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 14 अप्रैल के हुक्म की रोशनी में यह फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 30 दिन में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 19 अप्रैल को होने जा रही है। ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 अप्रैल तक फॉरेन फंडिंग केस को मुलतवी किया था। उसके बाद हुक्मनामा आ गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कि 30 दिन में फैसला किया जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 19 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होगी, ताकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो 14 अप्रैल का हुक्मनामा है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ समाअत को मुकम्मल किया जा सके बल्कि जो फैसला है उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर सके। PTI के जो वकील हैं अनवर मंसूर खान, उनकी जानिब से अपने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया गया है और अगले 1 से 2 सवातों के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद जवाबुल जवाब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर फैसला करने के पोजीशन में आ सकता है, अगर जिस रफ्तार से केस चल रहा है इस रफ्तार से भी चला जाए तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए ज़ुल्करनैन।